एलिगेशंस कई सारे लगे हैं, मगर इसमें से सारे एलिगेशन बेबुनियाद हैं। सोसाइटी को ये ढंग से चला पाए, मैंने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया था। ये लोग कोई सक्षम नहीं थे, और मैं तो सर रेजिग्नेशन देने को रेडी हूँ। इनफैक्ट मैं दे चुका हूँ। के लिए नंदनम अपार्टमेंट के जो बिल्डर हैं वंदित अग्रवाल, वो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। कई तरह के आरोप सोसाइटी के लोगों के जरिए लगाए जा रहे हैं बिल्डर के ऊपर। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और बिल्डर का इसके ऊपर क्या कहना है, इसके लिए हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। वंदित जी, बहुत सारे एलिगेशन इस वक्त आपके ऊपर लग रहे हैं, जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर एलिगेशन कई सारे लगे हैं, मगर इसमें से सारे एलिगेशन बेबुनियाद हैं। जैसे कि अब सोसाइटी वालों का कहना है कि वो मेंटेनेंस जमा नहीं कराएंगे, क्योंकि जब तक उनको हिसाब नहीं दिया जाएगा और ये नहीं दिया जाएगा। और उनका कहना है कि हमारे को धमकी मिली जा रही है अगर नहीं कराया जाएगा, कि क्या कहते हैं कि हम उनकी वो रोक देंगे, क्या कहते हैं, बेसिक सर्विसेज। पहली बात तो सर सोसाइटी का पैसा ना तो बिल्डर के पास आ रहा है, ये सोसाइटी के फंड में सोसाइटी का खुद का अकाउंट बना रखा है हमने, और वो उन्हीं पे जा रहा है, और उसमें मेरा सिग्नेचर नहीं चलता है। बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑल्सो, जो मैं प्रेसिडेंट था पहले, अब वो भी मैं रेजिग्नेशन दे चुका हूँ उस चीज का भी। हाँ, मेरा मैंने अपना सिग्नेचर कभी भी उसमें नहीं रखा है। वो सोसाइटी में जो अदर मेंबर्स है, जो वहां रहते हैं, उन्हीं का ही सिग्नेचर चलता है। और पूरा साल हो गया है सोसाइटी को चलते हुए, मतलब फ्रॉम अप्रैल टिल आज अप्रैल हो गया है। लीजिए, HDFC का बैंक है, उसमें से एक रुपया भी नहीं निकाला गया है, सिर्फ हमेशा उसमें डिपॉजिट्स ही हुए हैं, एक रुपया भी उसमें से बाहर नहीं आया है। रही बात जो सोसाइटी का बैंक अकाउंट खुलने से पहले जो थोड़े कुछ 15-20 फ्लैट्स का मेंटेनेंस जो हमने फिर हमारे अकाउंट में लिया था, जब तक वो अकाउंट खुला नहीं था, वो अकाउंट खुलने के बाद तो हमारे पास एक भी पेमेंट नहीं आया है। वो खुला था, उससे मैं पूरी ये सोसाइटी का खर्चा चला रहा हूँ। और रही बात हिसाब देने की, तो आप वाइस प्रेसिडेंट अंजू वर्मा जी से पूछिए, आप सेक्रेटरी क्या कहते हैं जोरावर जी से पूछिए, इवन रेणु भाटी जी भी ये जानती हैं बात, जो ये बात बता रही हैं। इनको हमारा लेजर और सोसाइटी का लेजर हर 2 महीने से गया है, और बकायदा विद लेटर गया है हमारा हिसाब। और हम तो हिसाब देने के लिए कभी मना ही नहीं करते सर, क्योंकि अगर हमारे का अगर हमने कोई गलती करी होगी तो हम बिल्कुल उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। और रही बात जो हम आगे हमारे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम धमकी दे रहे हैं कि हम इनकी बेसिक नेसेसिटीज बंद कर देंगे, तो सर आप ये बताइए कि अगर सोसाइटी के पास, अगर सोसाइटी में ये मेंटेनेंस ही जमा नहीं कराएंगे और सोसाइटी के पास फंड ही नहीं बचेगा वो सोसाइटी को चलाने के लिए, तो वो तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। हम क्या बंद करेंगे सर? आज बिजली विभाग में अगर बिजली का पैसा जमा नहीं होएगा तो बिजली विभाग अपने आप बंद करेगा, हम थोड़ी बंद करेंगे उस चीज को। हाँ, वो तो बिजली विभाग खुद अपने आप बंद करेगा, हम क्यों बंद करेंगे? हमने हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम बंद करेंगे, हम ये कह रहे हैं बेसिक सोसाइटी नेसेसिटीज अपने आप बंद हो जाएंगी। आज आज ये जो बात हो रही है। और रही बात सर पानी की, जो ये हमें बोल रहे हैं कि पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सर आज पूरा साल हो गया पानी इनको मिला है, ऐसा नहीं है पानी नहीं मिल रहा है, 24 घंटे मिला है सर इनको, सब 24 घंटे। अब अगर क्या सर गलती से मोटर खराब हो जाए, और एक दिन मोटर खराब हो जाए और तो सर वो तो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, तो सर अब जो जो चीज चलती है वो मेंटेनेंस में, अगर मोटर खराब हो गई तो एक दिन पानी ऊपर नीचे हो गया तो वो बात अलग है ना। गलती ये तो सर मेंटेनेंस का पार्ट है, अगर मेंटेनेंस में मोटर खराब हो गई, मोटर पानी नहीं खींच पा रही, तो सर जब तक मोटर ठीक नहीं होगी तब तक तो पानी में दिक्कत आएगी। बाकी अगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ हो है आज तक किसी भी मेंबर के साथ, मैं कह रहा हूँ जितने भी मेंबर हैं, कोई 2-3 नहीं, कोई भी जितने भी मेंबर के साथ, किसी के मेंबर के साथ ये नहीं हुआ है कि अगर सब कुछ सही है, पानी मोटर है, बोरिंग हुआ हुआ है और पानी नहीं मिला हो किसी को, ऐसा नहीं। एक बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर सोसाइटी के लोग ये भी लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, सोसाइटी उस अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जो प्रेसिडेंट है वो बिल्डर खुद बन बैठे हैं। क्या नंदनम अपार्टमेंट की जो सोसाइटी है वहां इलेक्शन नहीं हो रहे? सर देखिए, इन्होंने हमारे को ये देखिए, पहले जो ये हुआ था तब मुश्किल से 40-50 मेंबर थे, तो तब ये लोग कोई सक्षम नहीं थे कि इस सोसाइटी को ये ढंग से चला पाए। तो मैंने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया था,
सो दैट मैं इस चीज को रन कर सकूं। और मैं तो सर रेजिग्नेशन देने को रेडी हूं, इनफैक्ट मैं दे चुका हूं, आज 5 दिन हो गए मेरे को मेरा रेजिग्नेशन दिए, तो वहां पे वो नोटिस बोर्ड पे, मैं तो सर मेरी जगह कोई और ले सकता हो तो बेशक ले, मैं तो खुद ही चाहता हूं सर कोई मेरी जगह ले सकता हो तो बेशक ले। और इस चीज के लिए भी लेटर सोसाइटी में हमने भेजा था कि आप ये जो आप क्या कहते हैं वो चाह रहे हैं क्या इलेक्शन जो चाह रहे हैं इसके लिए आप जो हमने जो ये सोसाइटी के लिए जो लीगल एडवाइजर रखे हुए हैं आप उनसे आके तीन या चार मेंबर आके मिलिए और क्या प्रोसेस है किस तरीके से कर सकते हैं वो समझिए। इस बात को हमने इस लेटर को भी इश्यू किया, हमें 20 से 25 दिन हो गए हैं जिसका इनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। एक एक, एक सवाल और आपके ऊपर, अभी हाल ही में सोसाइटी के एक मेंबर के जरिए SC/ST का केस आपके ऊपर लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर जहां तक मेरी नॉलेज है कि वो केस मेरे पर नहीं किसी और पर लगाया गया है, मेरा तो सिर्फ नाम लिया गया है और मैं तो अजमेर रहता ही नहीं हूं, तो मैं आज तक रेणु भाटी जी से मिला ही सिर्फ 2 बार हूं अपनी पूरी लाइफ में और मेरा तो वहां पे नंदनम में आना भी नहीं हो पाता है इतना। और मैं तो क्या, अब जो उन्होंने एलिगेशन लगाए तो अब आपके सामने है, मैं इसमें क्या जवाब दूं, मैंने तो कोई चीज, और जो जिन पे इन्होंने एलिगेशन लगाए वो उनका और रेणु जी का व्यक्तिगत मैटर है, मेरी तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ये थे हमारे साथ वंदित अग्रवाल जिन्होंने सोसाइटी के तमाम एलिगेशन के ऊपर अपना पक्ष रखा है और साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इलेक्शन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, सोसाइटी के मेंबर्स जब चाहें तब इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं।